अवसर पे कफन बांधे मैदान में निकले गए, बातिल के महलों को भंगाने निकले गए हैं। मतलब मेरों को बैठो बेटों को, मतलब मेरों को बैठो बेटों को, हमारे साल को लाले निकले गए, हमारे साल को लाले निकले गए। जिसका हाथ ना उठे वो चाय को हाथ ना लगाए, चाय हाथ में लेकर हाथ ना उठा लीजिए भाई। लखीर भैया जिसका हाथ ना उठे वो चाय को हाथ ना लगाए, वो चाहे मेंबर वाला हो चाहे सामने वाला हो, अल्लाह ताला आपके हाथ तो किसी पड़ोसी मुगल रखे, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए हाथ को उठा कर भैया सुन लियो, इस टाइम जगाऊ में पढ़ूंगा आपको, चाय में नमक है, हल्का सा बेस खोल दीजिए, जो भूलता है नमक हलाली कहलाता है, जो खाकर डकार जाए समझ जाइएगा, हाथों को उठाकर बोलिए, दोनों हाथों को ठंडा बनाकर बोलिए, हर देश में एक कमी हमारे अंदर आ गई है, मोबाइल एप्पल का हो आईसी फूट जाए तो किसी काम का नहीं रहता, हमारी आईसी चली गई है। रियाकारी दोस्त बड़ा आसान है, आज ही करना मोहब्बत करना मुश्किल काम है, जिनके नाम का लंगर मुंह में जा रहा है हाथ उठ पा रहा है, श्रम आने चाहिए मेरे भाई, बड़ा बेदार हुई है, हाथों को उठाकर बोलिए सरकार, मैं दुआ करता हूँ मेरा जो बंदा हाथों को उठाकर बोले उसकी झोली में बहुत पाक का सबका डाल दे, जो एक नहीं दोनों हाथों को उठाकर बोले सरकार की यार 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 झंडे को लहराते हैं हमें अल्लाह के बंदे, हाना कुछ तो बोलो, लहराते हैं कैसे लहराते हैं, झंडा तो है नहीं, जो ओरिजिनल आशिक है फर्जी वाला नहीं, जो असली दीवाना है हाथों को उठाएगा, दोनों उठाकर हाथों को, दोनों उठाकर हाथों को मिलकर लहरा कर बोलेगा नूर सारी 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 सारी
लोग तो ऐसे से बोल रहे हैं स्वाद भी ना मिला जंग फ्री में कुछ पुछ कर रहा है हटेली पे जाए आई थी बुढ़ा के बिली थी अबे बेशरम नबी का नाम ले ले सुन गौथ पाक फरमाते हैं जब तक मैं नहीं जाता कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता गौथ पाक अल्लाह के बली है बली का ये आलम है नबी का आलम क्या होगा जो नहीं बोल रहा अफसोस हो रहा मुझे मेरे भाई तू नहीं बोल रहा तुझे हुजूर मेरा भाई मिलकर ईमानदारी के साथ यहाँ से नहीं यहाँ से आवाज दो होती है एक ही वाली होती है ये वाली आवाज से उठाकर हाथों को अल्लाह का खादिम फरमाते हैं जो बंदा लब्बैक के नारे लगाता है उसके दिल को कभी हार्ट का मर्ज नहीं होता जो चाहता है फिट है वही बोलेगा दोनों हाथों को ताक से उठाकर लब्बैक पक्की बात है बैठ जा बैठ जा बैठ जा उतना पढ़ ली बैठ जा हुसैनी है मतलब बोली या हुसैन मैं दुआ करता हूँ हजरत फरमा है बेटा बोल मत मैं दुआ करता हूँ मेरा जो बंदा हाथों को उठाकर बोले मुद्दत तेरे महबूब महफिल में आ रहा है मेरा जो बंदा हाथों को उठाकर बोले उसकी झोली मेरे हुसैन का सबका डाल दे जिसके दोनों हाथ लगा जो बंदा तेरे महबूब के निवासे का नाम ले आज सरकार मौला अली का सबका साथ लेकर जाए तो ताकत से बोले या हुसैन अभी जल्द स्टार्ट होगा वही ताकत से या हुसैन अच्छा किस किस को उम्मीद है उसे उसको देख रहे हैं हाथों को जिसको ताका से या हुसैन वो से या हुसैन आप लोग खामा चाहिएगा आप लोग बोली या हुसैन एक बार देखते हैं यहाँ कम है या ज्यादा है आप जब ये बताओ बोली या हुसैन यहाँ बेदारी है लगता है करवाने की तैयारी हो एक मतलब आप ताका से या हुसैन कौन आगे हजरत देखते फिर मतलब आप से या हुसैन अगर सिया हुसैन मैं जब नकली वाले सकते हैं असली वाले के हाथ तो रह सकते हैं एक मतलब शेर पढ़ता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए था पर पढ़ता हूँ भाई उनकी सिलास खोल दीजिएगा एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ सुनो वो आपका है देखता हूँ हाँ कैसे उठते हैं आपके देखता हूँ कि दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना दिल दीवाना मेरे जिसका ताकत से बोले या उसे हिंदी बहाना हिंदी बहाना हिंदी बहाना हिंदी बहाना मेरे उसे करे हिंदी बहाना हिंदी बहाना हिंदी बहाना हिंदी बहाना मेरे उसे हिंदी बहाना मेरे उसे करे जमा
बोलूंगा हक हुसैन, जिसको अपने हुसैनी होने पे नाज है, जिसको नहीं है हाथ डाल ले कुर्ते के अंदर को, उससे नहीं कह रहा, जिसको अपने हुसैनी है फक्र है, मैं बोलूंगा हक हुसैन सच्चा हुसैनी, जिसको अपने हुसैनी होने पे नाज है, अब वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वही बोलेगा या हुसैन हाथ को उठाकर, ठीक है ना, हक हुसैन। आपके आवाज सुने तरी आवाज लोग है, बाकी ये किसी गाने बजाने वाले की आवाज नहीं, दोस्तों आती थी नकलियों की असली आवाज आ रही है, आप असल बोलिए हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, एक शेर पर मेरा ईमान है, अब एक शेर पर मेरा ईमान है, अब इस शेर पर जिसका ईमान होगा वो इस्तकबाल करेगा करवाला वालों की मोहब्बत में खड़े होगा शेर का, अगर ईमान है तो, ठीक है ना, मेरा है सुनिएगा, कि जिसके सदके के जिसके सदके के बहुत देर से लोग बैठे थे, बैठे बैठे पांव टेढ़े पड़ जाते हैं, तकरीर करने वाला था लोग निकल लेते हैं, मैंने तुम्हारे पांव सीधे कर दिए, ठीक है ना, मैंने तुम्हारे पांव सीधे कर दिए, उठ के बैठने का मामला खत्म, चाचा मुस्कुरा रहे मुस्कुरा, किसी बाप की सुन्नत की मुस्कुरा, मेरे की सुन्नत है, अब एक शेर इधर यह बात है, ये हुसैनिया की बस्ती है, इससे पढ़ता हूं, सच हो इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा कि आज दुनिया